थाना पनकी क्षेत्र में दिनांक 20/9/2022 को एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें आजम नाम के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी अज्ञात बदमाशों द्वारा। पुलिस की टीम, सर्विलांस की टीम, लोकल थाना, सभी लोग मौके पर पहुंचे और आगे जब जांच की गई, सीसीटीवी चेक किया गया, फ़ोन लोकेशन, टावर डंप एक्सेट्रा, इन सब चीज़ से ये निकल कर आया कि मुख्य जो अभियुक्त है, सुधीर शर्मा उसका नाम है, वो एक सर्फ बनाने की फैक्ट्री में काम करता था और जो मृतक है आजम वो उसके बगल में ही दूसरी फैक्ट्री में काम करता था। वहीं पास में ठेके पर ये शराब पीते थे, वहीं उनकी दोस्ती हुई। दोस्ती के दौरान ये आपस में कई बार एक दूसरे से झगड़ भी लिया करते थे, कई चीज़ों को लेकर उनके बीच में मतभेद हो जाया करते थे। एक दिन मृतक आजम ने सुधीर को ऐसी लड़ाई झगड़े में कुछ ज़्यादा चोट पहुँचा दी, पीट दिया उसको, तो उससे वो काफ़ी इंसल्ट फील करने लगा। इसी को वो रंजिश मानता रहा और मौका पाकर उसने ये अपने मित्र के साथ में, जिसका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा, उसके साथ में मिलकर मौका देखकर उसने मोहम्मद आजम की हत्या कर दी। वो शाम को जब फैक्ट्री से घर जा रहा था वापस, तब ये दोनों अभियुक्त अपनी बाइक से निकले, पीछे सुधीर बैठा हुआ था, उसके पास एक देसी तमंचा था और उस तमंचे से ही गोली मारकर उसने अपने मित्र आजम की हत्या कर दी। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है और अभी आगे की विवेचना चल रही है, अभी सारी गिरफ्तारियां ख़त्म नहीं हुई हैं, जैसे आगे इसमें गिरफ्तारी होगी आपको बताएंगे।